रूस का अगला टारगेट राजधानी कीव बनती हुई नजर आ रही है। रूस के बेलगरद में यूक्रेन का हमला। यूक्रेन के खार्किव में रूस का हमला। यूक्रेन के सुमे में रूस का हमला। टॉप कमांडरों के साथ ज़ेलेंस्की की बैठक। तस्वीरें बहुत डरावनी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का ये भयावह विनाश काल है। 2.5 सालों में इतना भीषण हमला नहीं हुआ जैसा अब हो रहा है। पिछले 5 दिनों से रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे को जला डालने पर आमादा हैं। रूस ने यूक्रेन के खार्किव पर बड़ा हमला किया है। ये तस्वीरें खार्किव की ही हैं। ताजा अपडेट ये है कि रूस की फौज ने एक रिहायशी इमारत और बच्चों के ग्राउंड पर हमला किया। इस हमले में 6 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल है, जबकि 55 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। तोप चलती है तो उम्र कहां देखती है। मासूम के खून से खार्किव कांप उठा है। वैसे खार्किव वो जगह है जहां रूस अपना दबदबा कायम कर चुका है, लेकिन यूक्रेन के पलटवार को 0 डिग्री पर पहुंचा देने के लिए रूस ने हमले कभी बंद नहीं किए। आपको आगे दिखाएंगे कि यूक्रेन के जलते शोलों ने कैसे रूस को तबाह कर डाला है। उसके पहले रूस के गाइडेड बम कैसे यूक्रेन को जलाकर राख कर रहे हैं देख लीजिए। खार्किव के बाद यूक्रेन के दूसरे क्षेत्र सुमे की तस्वीर देखिए। रूस की फौज ने यहां भी बम गिराया है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है। रूस इस वक्त यूक्रेन पर चौतरफा हमला कर रहा है। खार्किव, सुमे के अलावा डोनेस्क के और लिविका, कोमिशिविका, माइकोलाएविका, नोवो जेलान को टारगेट कर रहा है। В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Орловка, Камышевка, Николаевка и Новожеланная Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированием 7 механизированных, 2 егерских, воздушно-десантной, штурмовой бригад вооруженных сил Украины, 2 бригад терробороны и штурмовой бригады «Людь» Национальной полиции Украины. Отражены 50 контратак подразделений вооруженных сил Украины. इन हमलों में रूस को कामयाबी जितनी मिलनी चाहिए उतनी जमीन पर नहीं दिख रही। युद्ध की शुरुआत में यूक्रेन की जिन जगहों को रूस निशाना बनाता था वहां से लोग पलायन करने लगते थे। ज़ेलेंस्की की फौज भी पीछे हट जाती थी, इंटरनेशनल बिरादरी पुतिन की आलोचना में जुट जाती थी। लेकिन अब यूक्रेन के लोग और फौज पुतिन के हमले को रूटीन मान चुके हैं। खून और लाशें देखने की आदत बन गई है। इसका असर ये हुआ है कि रूस की सेना से लोगों ने डरना छोड़ दिया है। इसका असर सिर्फ यूक्रेन के अंदर नहीं दिख रहा, यूक्रेन की फौज की रूस के भीतर घुसकर बढ़त में भी दिख रहा है। रूस अब तक यूक्रेन पर हमला कर खुद को महफूज मान रहा था, लेकिन अब पुतिन के पांव तले से उनकी जमीन ही खिसकती जा रही है। यूक्रेन पुतिन से भी बड़ा हमला कर रहा है। यूक्रेन ने ताजा दावा किया है कि वो रूस के कुर्स्क में 2 किलोमीटर और भीतर घुस गया है। 100 से ज्यादा इमारतों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना 6 अगस्त को रूसी इलाके में दाखिल हुई थी और तभी से वो आगे बढ़ते हुए 35 किलोमीटर अंदर तक पहुंच गई है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब किसी देश की सेना रूस में दाखिल हुई है और वो आगे बढ़ रही है। यूक्रेनी सेनाओं के प्रमुख कर्नल जनरल ओलेक्जेंडर सेरेस्की को सुनिए। रूस की भूमि पर कब्जे का विस्तार करते हुए यूक्रेन की सेना कुर्स्क में 2 किलोमीटर और आगे पहुंच गई है। इस प्रकार से करीब 1300 वर्ग किलोमीटर रूस का इलाका यूक्रेन के कब्जे में आ गया है।
इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ज्यादा रूसी क्षेत्र पर कब्जे और यूक्रेनी जनता की रक्षा के लिए सहयोगी देशों से लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों और एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है, जबकि सहयोगी यूरोपीय संघ के देशों ने यूक्रेनी सैनिकों को नए हथियार चलाने और युद्ध कौशल का प्रशिक्षण जल्द शुरू करने की घोषणा की है। ये प्रशिक्षण यूक्रेन में नहीं बल्कि उसके नजदीक मित्र देश में होगा। जेलेंस्की फ्रंट पर खेल रहे हैं तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। नाटो से मिल रहे समर्थन के कारण इसी की आशंका जताई जा रही है। सवाल, फिर क्या रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन की हार दिखने लगी है, या ये युद्ध बिना किसी निर्णायक फैसले के इतिहास के गुप्त अंधेरे में भटक कर दम तोड़ देगा? इस सवाल का जवाब दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे हैं, लेकिन तथ्य ये है कि पुतिन चूक गए हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। जेलेंस्की को मिल रही मदद और रसद के स्टॉक अनंत काल तक नहीं चलने वाला, लिहाजा पुतिन ने सर्दी वाला प्लान बना लिया है। रूस यूक्रेनियों को ठंड में तड़पाकर मारना चाहता है। यूक्रेन में सर्दी बर्फीली और ठंडी होती है, जिसमें तापमान शून्य से काफी नीचे चला जाता है। दिसंबर से मार्च तक चलने वाले सर्दियों के महीनों के दौरान देश का औसत तापमान 23 डिग्री फॉरेनहाइट यानी -4.8°C और 36 डिग्री फॉरेनहाइट यानी 2°C के बीच रहता है। कुछ क्षेत्रों में जहां अंतर्राष्ट्रीय बचाव समिति काम करती है, तापमान नियमित रूप से -21° को कपाने वाली ठंड में भी जान जा सकती है। यही वजह है कि रूस ने पिछली सर्दियों के पहले भी यूक्रेन के बिजली घरों को निशाना बनाया। अब इस साल भी सर्दी आने से पहले यूक्रेन के एनर्जी सेंटर रूसी फौज के टारगेट पर हैं। जहां रूस का टारगेट यूक्रेन है, वहीं पुतिन स्वयं टारगेट पर है। व्लादिमीर पुतिन 3 सितंबर को मंगोलिया दौरे पर जाने वाले हैं। इस बीच इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC ने कहा है कि अगर पुतिन मंगोलिया जाते हैं तो वहां के अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें गिरफ्तार करें। मंगोलिया ICC का सदस्य है, लेकिन वो ICC का आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है। हालांकि अगर वो पुतिन की गिरफ्तारी नहीं करता तो उसके खिलाफ प्रतीकात्मक कदम उठाए जा सकते हैं। पिछले साल मार्च में ICC ने पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोपों के आधार पर पुतिन को वॉर क्राइम के लिए जिम्मेदार माना था। ये पहला मौका था जब ICC ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC के किसी सदस्य देश के टॉप लीडर के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया था। ICC के पुतिन के नाम वारंट जारी करने पर रूस ने अपमानजनक बताया था। यूक्रेन ने भी पुतिन के मंगोलिया जाने पर उनकी गिरफ्तारी की मांग की है। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय ने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि मंगोलिया को मालूम होगा कि पुतिन युद्ध अपराधी है और ICC ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। वारंट जारी होने के बाद रूसी राष्ट्रपति की किसी ICC मेंबर देश की ये पहली यात्रा होगी। पुतिन वारंट जारी होने के बाद से अब तक 11 देशों की यात्राएं कर चुके हैं। इनमें चीन, नॉर्थ कोरिया, सऊदी अरब और UAE जैसे देश शामिल हैं। हालांकि वो अब तक किसी भी ऐसे देश की यात्रा से बचते रहे हैं जो ICC का मेंबर है। रूस पुतिन पर लगे आरोपों को खारिज करता रहा है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक मंगोलिया में गिरफ्तारी के सवाल पर राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन ने कहा कि पुतिन के दौरे को लेकर उन्हें कोई फिक्र नहीं है। 1939 में सोवियत संघ और मंगोलिया की सेना ने मिलकर जापानी सेना को हराया था। 3 सितंबर को इसके 85 साल पूरे हो रहे हैं। पुतिन इसी समारोह का हिस्सा बनने राजधानी उलान बटोर जा रहे हैं। ICC के पास किसी को गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं है और अपने आदेश का पालन करने के लिए वो अपने सदस्य देशों पर निर्भर रहता है। 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी ICC की शुरुआत हुई थी। ये संस्था दुनिया भर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। ये संस्था 1998 के रोम समझौते पर तैयार किए गए नियमों के आधार पर कार्यवाही करती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। पुतिन आगे क्या करेंगे? जेलेंस्की के दिमाग में रूस में घुसने के बाद क्या करने का प्लान है और मंगोलिया पुतिन के साथ क्या करता है? ये वो सवाल है जिनका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। लेकिन ये सवाल इतने उलझे हुए हैं कि जवाब मिलने में अभी कितना वक्त लगेगा कह पाना मुश्किल है। इसराइल ने हमास के नए चीफ